स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यदि आप भी अपने फ़ोन में Google Play Store पर कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने आते हैं और दोस्तों आप इसको जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब पेंडिंग प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों आप इस पेंडिंग प्रॉब्लम को जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मतलब इसको मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपकी भी मतलब फ़ोन में आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं और जैसे उसको डाउनलोड करते हैं दोस्तों मतलब वहाँ पर आपको उसके नीचे पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन में दो सेटिंग को फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों वो दोनों सेटिंग आपको प्ले स्टोर में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर बैक आ जाना है अपने प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर के होम पेज में, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दो सेटिंग को करना है और दोनों प्ले स्टोर से ही हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर अपने सबसे पहले प्रोफाइल आईडी पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, आपको अपने प्ले स्टोर के प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों, आपको सिंपल सा सेटिंग पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जनरल का ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे नेटवर्क प्रेफरेंसेस का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आपको नेटवर्क प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके नीचे आपको ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस और उसके नीचे ऑटो अपडेट ऐप्स का आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस का आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको मतलब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब जो आपका ऐप डाउनलोडिंग का जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में ओवर वाईफाई ओनली पर होगा कि मतलब वहाँ पर अगर सेलेक्ट होगा तो दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाते होंगे तो इस कारण से वो मतलब डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि मतलब अगर उसको आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तभी जाकर वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल के मतलब जो इंटरनेट है मैं उससे डाउनलोड करूँ और मतलब मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, तो दोस्तों अगर आपको मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये ओवर वाईफाई ओनली पर सेलेक्ट होगा तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है और जैसे डन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों ये पहला जो आपका सेटिंग है फ्रेंड्स ये हो गया। अब आपको नीचे यहाँ पर आपको ऑटो अपडेट ऐप्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली और यहाँ पर डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओवर एनी नेटवर्क पर अगर सेलेक्ट होगा तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, आपके फ़ोन में मतलब कोई भी एप्लीकेशन का अपडेट आया हुआ है और दोस्तों आप जैसे उसको इंटरनेट को ओपन करते हैं तो वो यहाँ पर मतलब अगर वो ओवर एनी नेटवर्क पर क्लिक हो सेलेक्ट होगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक मतलब अपडेट होने लगता है, जिससे फ्रेंड्स आप मतलब कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा होगा। तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पर कैसे इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों, आपको उसके लिए आपको मतलब ओवर एनी नेटवर्क इस पर सेलेक्ट होगा तो दोस्तों आपको सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक कर देना है। आपको सबसे नीचे यहाँ पर तीसरे नंबर पर डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर डन कर देंगे तो दोस्तों आपको दोनों आपके फ़ोन में सेटिंग हो जाएंगे। अब दोस्तों अब आप मतलब चलिए मैं आपको उसी एप्लीकेशन को वहाँ पर फिर से इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि मतलब वो हमारा एप्लीकेशन क्या इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे ही मैं इसको इस एप्लीकेशन पर इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर पेंडिंग प्रॉब्लम आ रहा था, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर 16% ये डाउनलोड भी हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप इस प्रॉब्लम को पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बस दो सेटिंग को करके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।